इस देश का पिछड़ा आदिवासी मुस्लिम समाज मिलकर इन भगवा संघियों को संघी गुंडों को धज्जियां उड़ाने का काम करेगा। ये 30 दिन से क्या 30 साल तक भी चलेगा तो करते रहेंगे इंशाल्लाह। मुस्लिम महिलाएं सड़क पर उतर के इनकलाब पैदा करें। इस चीज के लिए कभी मैं फिल्म के प्रमोशन के लिए उन्होंने और हमारी जीत हो चुकी है। हिटलर जैसा हाल होगा, जो हिटलर की चाल चलेगा। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। नमस्कार, नेशनल इंडिया न्यूज देख रहे हैं आप। मैं इस वक्त शाहीन बाग में मौजूद हूँ। शाहीन बाग में NRC और CA को लेकर लगातार 30 दिन से विरोध प्रदर्शन हो रहा है, वो भी शांतिपूर माहौल में विरोध प्रदर्शन हो रहा है। जिस तरीके से यहाँ पर एक हुजूम लगा हुआ है, आप साफ तौर पर तस्वीरें देख सकते हैं, ये कहीं ना कहीं मौजूदा सरकार पर, BJP सरकार पर बहुत बड़े कड़े सवालिया निशान खड़ा हो रहा है। मैं इन्हीं मुद्दों पर बात करने के लिए आज शाहीन बाग में नेशनल इंडिया न्यूज़ की टीम मौजूदगी है और मैं लोगों से जानने की कोशिश करूँगा कि लगातार एक महीने से जो प्रदर्शन चल रहा है उनको क्या क्या तकलीफें हो रही है, किस तरह से वो अपने दर्द को बयां करेंगे। सर, आपका नाम? इदरीस अहमद। क्या कहेंगे सर NRC और CA को लेकर आप, क्योंकि लगातार 30 दिन से विरोध प्रदर्शन हो रहा है? ये 30 दिन से क्या 30 साल तक भी चलेगा तो करते रहेंगे इंशाल्लाह, और जब तक ये हमें हक नहीं मिलेगा जब तक हमें CA का विरोध करते रहेंगे। अच्छा, जिस तरीके से वो कहते हैं कि संसद में खड़े होकर कहते हैं कि किसी भी धर्म को डरने की जरूरत नहीं है, तो शाहीन बाग की जनता इतना डर से क्यों सहमा हुआ है? खाली शाहीन बाग की नहीं है, ये तो एक जगह तजवीज कर दी गई है। यहाँ आते सभी लोग आते हैं, यहाँ हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब आते हैं। यहाँ कोई ऐसा नहीं है कि किसी धर्म के लिए जो पर्सनल बनाई गई जगह। ये रोड है, किसी का घर नहीं है, किसी का घर का मैदान नहीं है। ये रोड बंद करके जो है ना, यहाँ पे सारी पब्लिक बैठी हुई है। इस क्षेत्र का कोई ऐसा आदमी नहीं है, बस खाली नहीं आते तो भक्त नहीं आते। अच्छा, जिस तरीके से जामिया के बच्चों पर पुलिस की बर्बरता हुई, आंसू गोश के गोले दागे, तो इसको आप किस तरह से देखते हैं? JNU के बच्चे पर पुलिस की बर्बरता हुई? जी, बच्चे तो उनके भी स्कूलों में पढ़ते हैं, ऐसा तो है नहीं उनके घर में खुद के मास्टर हैं। बच्चे तो उनके भी यहीं पढ़ते हैं, पुलिस वालों के हों, चाहे किसी MP के, MLA के, किसी राजनेता के हों, सबके पढ़ते हैं ना। आज इनके हमारे पिट रहे हैं, कल उनके भी पिटेंगे कहीं ना कहीं। नहीं, अगर ये जो पुलिस पर हमला हुआ वो कहीं ना कहीं गरीब बच्चे हैं, जो बहुत ही गरीब फैमिली से आते हैं। सरकार क्या चाहती, क्या है, क्या कहेंगे? नहीं, सरकार जो है पढ़ने नहीं देना चाहती ना लोगों को। बच्चे ना पढ़े, ये पढ़ेंगे नहीं, कुछ जानेंगे नहीं। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। जिस तरीके से मौजूदा सरकार वो सोच रही है कि गरीब के बच्चे अगर पढ़ेंगे तो मौजूदा सरकार से सवाल करेंगे, क्या लगता है आपको ऐसा ही है? भाई, ये पढ़ेंगे तो अपना हक मांगेंगे, जानेंगे, दुनिया को जानेंगे और अपने कॉन्स्टिट्यूशन को जानेंगे, और जो CA है, NRC है, इसके बारे में जानेंगे, आगे की और चीज़ें और जानेंगे, इनकी अपनी प्लानिंग है, लड़ाई करते हैं, झगड़ा करते हैं। अच्छा, जिस तरीके से JNU में पुलिस की बर्बरता हुई बच्चों पर, वहाँ अगर दीपिका पादुकोण जाती है तो वो कहते हैं कि फिल्म के प्रमोशन के लिए गए हैं, तो इसको आप किस तरह? उन्होंने कोई बयान तो दिया नहीं है इस चीज़ के लिए कि मैं फिल्म के प्रमोशन के लिए। उन्होंने वो JNU से पढ़ी है तो वो बच्चों का हौसला बढ़ाने के लिए गई थी, और जाना चाहिए सबको। जो बच्चे पीटे हैं क्या उनके लिए कहना नहीं चाहिए किसी को भी? लेकिन निशब्द समर्थन देना, वो कहीं ना कहीं नहीं लगता आपको कि मौजूदा सरकार और BJP सरकार, RSS की एक एजेंडा चलाया जा रहा है? जी बिल्कुल पक्का, 100%। और हमारे साथ अभी बात करने के लिए जामिया मिलिया इस्लामिया के स्कॉलर रहे मेहरान हैदर हैं, उनसे भी जानने की कोशिश करेंगे कि वो इसको किस तरह से देखते हैं। सर, लगातार शाहीन बाग में एक महीने से प्रदर्शन हो रहा है, आपकी इस पर राय? देखिए, इस पर राय तो पूरा दुनिया देख रही है कि कैसे जो मोदी जी कहते थे कि मुस्लिम महिलाएं बहुत प्रताड़ित हैं, इनको घर में कैद करके रखा जाता है, वो मुस्लिम महिलाएं सड़क पर उतर के इनकलाब पैदा कर रही हैं। और वो मुस्लिम महिलाएं सिर्फ मुसलमानों के लिए नहीं लड़ रही हैं, बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर के संविधान बचाने के लिए लड़ी, आदिवासियों का अधिकार दिलाने के लिए लड़ी, और दलितों का जो आरक्षण छीनने और संविधान की जगह मनुस्मृति लागू करने की साजिश रची जा रही, उस संविधान को बचाने के लिए लड़ रही। ये औरतें जो सड़क पर उतरी हैं, ये भगत सिंह की, अशफाकउल्लाह खान की, पंडित राम प्रसाद बिस्मिल की साझी शहादत, साझी विरासत और साझी नागरिकता बचाने की लड़ाई लड़ रहे हैं। तो ये जो लड़ाई चल रहा है, ये पूरा देश ही नहीं पूरा दुनिया देख रहा है कि कैसे औरतें सड़क पर उतर चुकी हैं, और जब औरतें किसी आंदोलन में सड़क पर उतरती हैं तो कामयाबी मिलती है और इनकलाब आता है और हमारी जीत हो चुकी है। अब मोदी जी ये मान लें कि मोदी जी इस कानून को, काला कानून को वापस लीजिए, वरना बहुत दिन तक सत्ता में रहने वाले नहीं है। हिटलर जैसा हाल होगा, जो हिटलर की चाल चलेगा। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। आपको क्या लगता है, जिस तरीके से छत्तीसगढ़ में लोगों ने सबक सिखाया, हरियाणा में सबक सिखाया, झारखंड में आपने देख ही लिया, वो सबके सामने है, क्या लगता है आपको जिस तरीके से ये NRC CA को लाकर दिल्ली की सियासत चमकाना चाहते हैं? देखिए, जिस तरीके से
2014 में एक भारत का इन्होंने मैप निकाला था कि पूरा देश भगवा हो चुका है, और 2019 में अभी एक मैप निकला है कि 80% भगवा का सफाया हो चुका है और फिर देश तिरंगा के रंग में रंग चुका है। तो भगवापन जो ये देश को एक रंग में रंगना चाहते थे ना कि हर चीज़ को भगवाकरण कर देंगे, ये देश कह चुका है कि ये देश गांधी और अम्बेडकर का देश है, ये तीनों रंग से देश चलेगा, भगवा भी होगा, हरा भी होगा, सफ़ेद भी होगा, ये एक रंग से नहीं रंगेगा, हर धर्म, हर जाति, हर मजहब के लोग का यहाँ राज चलेगा। इसलिए ये देश जो झारखंड ने इनका हाल किया ना, दिल्ली भी इनको झारखंड बना के छोड़ेगा, झारखंड के रास्ते पे दिल्ली भी चलेगा, फिर बिहार का भी चुनाव होगा, बिहार में भी इनका वही हाल होगा। देखिए ये सीए क्यों लाए, इन्होंने युवाओं को रोजगार नहीं दिया, शिक्षा, छात्र शिक्षा के लोग परेशान है, किसान आज भी आत्महत्या करें, और महिला असुरक्षा इतनी है कि गुंडों को तो छोड़ दीजिए, इनके खुद विधायक मंत्री महिलाओं को रेप कर रहे हैं। अभी गुजरात में देख लीजिए, एक दलित गुजरात के होम मिनिस्टर, गुजरात के प्रधानमंत्री, गुजरात में इनकी सरकार, फिर भी एक दलित की बेटी को दिन के उजाले में अपहरण किया जाता है, उसका रेप किया जाता है, फिर उसको सड़कों पर टांग के मार दिया जाता है। ये दलित इसे सब पूछेगा नहीं कि आखिर ये कैसा बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर ने जो संविधान लिखा उस संविधान का ये संगीत दुरुपयोग कर रहे हैं और ये उस संविधान को धज्जियां उड़ा रहे हैं, और इस देश का दलित समाज, इस देश का पिछड़ा आदिवासी मुस्लिम समाज मिल के इन भगवा संगियों को, संगी गुंडों को धज्जियां उड़ाने का काम करेगा और इनको सत्ता से उखाड़ फेंकने का काम करेगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए और ताज़ा अपडेट पाने के लिए बेल आइकन को दबाना ना भूले।